हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट कैटेगरी फॉर इंस्टाग्राम। आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में कौन सा कैटेगरी सेलेक्ट करें जिससे आपका अकाउंट ग्रो हो तेजी से 2023 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके समझ आ जाए। ओके दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं, इंस्टाग्राम में अगर आप कोई भी अकाउंट बनाते हो उसके बाद जब आप उसको प्रोफेशनल में कन्वर्ट करते हो तो वहां पर कई सारी कैटेगरी आती है सेलेक्ट करने के लिए। जब तक आप किसी कैटेगरी को सेलेक्ट नहीं करोगे आपका अकाउंट ग्रो नहीं होने वाला है। काफी सारे लोग होते हैं कि वो अकाउंट को प्रोफेशनल में कन्वर्ट नहीं करते हैं, ऐसे ही रील डाल देते हैं, पोस्ट डाल देते हैं और उससे उनके व्यूज नहीं आते हैं और ना अकाउंट ग्रो होता है। तो सबसे पहले आपको प्रोफेशनल में स्विच कर लेना है। जब आप स्विच करोगे तो वहां पर कई सारी कैटेगरी आ जाएंगी। तो बेस्ट कैटेगरी क्या है, आप कौन सा सिलेक्ट करो जिससे आपका अकाउंट ग्रो हो, अब बताने वाला हूं। देखो यार, जैसे कि अगर आप कोई वीडियो बनाते हो या एस्थेटिक या स्टेटस या क्विट वगैरह का काफी सारे लोग रील डालते होंगे, आप लोग जानते होंगे। अगर आप लोग ऐसी वीडियोज बनाते हो, मीम्स वगैरह, स्टेटस, एस्थेटिक, इन सभी चीजें के रिलेटेड वीडियो बनाते हो तो आपको वीडियो क्रिएटर सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप वीडियो क्रिएटर सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप कोई फोटो एडिटिंग या वीडियो एडिटिंग या कोई ट्यूटोरियल या कोई आप डिजिटल वर्क करते हो तो इसके लिए आपको डिजिटल क्रिएटर सेलेक्ट करना पड़ेगा। एक बात और मैं आपको बता दूं कि काफी सारे लोग पूछते हैं कि मैं अपना वीडियो डालता हूं, अपनी फोटो डालता हूं, अपना खुद का फेस वाला रील डालता हूं, बनाता हूं, एक्टिंग करता हूं, हर एक चीज करता हूं, तो उसके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। तो मैं आपको बता दूं, आप पब्लिक फिगर सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप पब्लिक फिगर सेलेक्ट करोगे तो ये बहुत ही अच्छा होता है और इससे आपका अकाउंट भी ग्रो होगा और वायरल होने लगेगी आपकी रील। जैसा कि साइड में देख सकते हो, मैंने एक अकाउंट बनाया जो कि केवल 2 घंटे में ही उसमें व्यूज आ गए और उसमें बेस्ट कैटेगरी यही था पब्लिक फिगर। तो मैंने पब्लिक वाला कर दिया सेलेक्ट। उसके बाद देखिए, मैं 3-4 घंटे बाद रील डाला और उस पर भाई एक्सप्लोर से व्यूज आ गए। तो आप लोग समझ सकते हो कि पब्लिक फिगर जो है वो पब्लिक लोगों के लिए रहता है, जैसे कि आप खुद का वीडियो डाल रहे हो। बाकी वीडियो क्रिएटर वो लोग डालते हैं जैसे स्टेटस वगैरह डालते हैं, स्टेटस वगैरह बनाते हो। अगर आप लॉन्ग वीडियो बनाते हो, स्टोरी टेलिंग वीडियो या मिनी ब्लॉग, इस तरीके का वीडियोज बनाते हो तो आप वीडियो क्रिएटर सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप मीम्स वगैरह, क्विट वगैरह डालते हो तो उसमें राइटर भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन आपको उसमें कॉन्टेंट मिक्स नहीं करना है। अगर आप कॉन्टेंट मिक्स कर दोगे, यानी कि डिजिटल क्रिएटर कर रहे हो लेकिन बना रहे हो कॉमेडी वगैरह, तो इससे ये होगा कि एल्गोरिथम समझ नहीं पाएगा। तो जो मैं आपको बताया हूं आप सेलेक्ट कर सकते हो। वीडियो क्रिएटर ऐसे लोग कर सकते हैं जैसे कॉमेडी, लॉन्ग वीडियो, स्टोरी टेलिंग, मिनी ब्लॉग, इस तरीके का वीडियोज आप बनाते हो तो वीडियो क्रिएटर सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप एक्टिंग कर रहे हो, अपना वीडियो खुद का बना रहे हो, फोटो पोस्ट कर रहे हो, तो आप अभी स्टार्टिंग में पब्लिक फिगर ही सिलेक्ट करो और कैटेगरी एक ही बार सिलेक्ट करो, बार बार चेंज मत करो। अगर आप बार बार चेंज करोगे तो इससे आपका अकाउंट ग्रो नहीं होगा, कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है। बाकी इसके अलावा और भी सारी कैटेगरी होती है, लेकिन मैंने आपको बेस्ट कैटेगरी बताया जो आप लोग वीडियोज वगैरह बनाते हो। बाकी तो यार आपके ऊपर है कि आप कौन सा कॉन्टेंट डालते हो, किस टाइप का, तो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। एक बार मुझे कमेंट करके बताना कि आप किस टॉपिक पर वीडियो बनाते हो और आपका कैटेगरी क्या है, आपने क्या सिलेक्ट किया है, ठीक है? तो कमेंट करके बताना, मैं बताऊंगा सही है या नहीं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। होप करता हूं आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।